हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 19A। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन रह गए थे, 8 और 9। ठीक है जी, सभी अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 153। तो स्टार्ट, कौन सा पेज खोलना आपको? 153। बहुत ध्यान पूर्वक क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। ठीक है जी, शहनाज एंड सामा जो अराउंड ए ट्रायंगल पार्क। इफ ट्रायंगल पार्क एवरीडे, इफ द साइड्स ऑफ द पार्क आर 50, 65 and 85 meters एंड दे टेक 5 rounds ऑफ इट, what distance डू दे कवर। स्टूडेंट ये कह रहा कि शहनाज और सामा, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। रेक्टेंगुलर कैसा होता है स्टूडेंट? ये होता है ट्रायंगुलर है ना, जिसमें तीन एंगल होते हैं, 1, 2, 3 ट्रायंगल होता है। ऐसा एक पार्क है जिसके वे क्या करते हैं, इसके 5 rounds लेते हैं। यानी कि अगर यहां से चले, यहां चले गए, यहां चले गए, फिर एक राउंड कंप्लीट होगा, फिर इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस तरह वे 5 rounds लेते हैं स्टूडेंट इसके, है ना। तो और जो इसकी साइड है ये 50 सेंटीमीटर की है और जी ये 65 की है और स्टूडेंट ये 85 की है। ओके, तो स्टूडेंट ये है उसकी साइड्स। तो उन्होंने क्या किया, सामा ने और शहनाज ने इसके 5 चक्कर लगाए ऐसे, इसकी बाउंड्री के, जो इसकी बाउंड्री है ट्रायंगल की, है ना। तो आपको ना बताना उन्होंने 5 round में कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि कितनी दूरी चली उन्होंने। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जो 1 round है ये यहां से यहां तक का 1 round है, ये इसके पेरीमीटर के इक्वल है ना। जो इसका पेरीमीटर होगा वही वो 1 round की लेंथ होगी, लंबाई, डिस्टेंस, दूरी, है ना। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है। और सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो हमें 1 round की लेंथ पता चल जाएगी पेरीमीटर निकालते ही, है ना। और फिर हम 1 की पता चल जाएगी, फिर हम 5 round की निकाल लेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं, गिविन पहले लिखेंगे, सोल्यूशन नंबर 8, फिर लिखेंगे गिविन दिया है, क्या दिया है, द साइड ऑफ इट ट्रायंगल इक्वल टू, यानी कि जो रेक्टेंगुलर जो ट्रायंगल है उसकी जो साइड है वो दी हुई है, क्या है, 50 है, 65 है और 85 है। ओके स्टूडेंट, अब ये सारी है कि मीटर में, इन पे आप तो स्टूडेंट के सभी मीटर है, तो आप यहाँ पे एम लिख लेंगे 4 meters, है जी। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, कहेगा ट्रायंगल का। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपके यहाँ दोनों चाहिए, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू, जो ट्रायंगल है इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा जी, द टोटल लेंथ ऑफ इट्स 3 sides, इसमें 3 sides है तो तीनों साइड की जो इतनी लंबाई है वो इसका पेरीमीटर होगा। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, अब हम इन्हें प्लस कर देंगे तीनों साइड को, क्या है 50 है, 65 है, प्लस 85, इन्हें प्लस कर लीजिए, ठीक है।
तो स्टूडेंट प्लस रहेंगे, फाइव फाइव टेन, टेन की जीरो कैरी वन, एट और वन नाइन, नाइन सिक्स फिफ्टीन, फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी, तो स्टूडेंट कितना आगा ट्वेंटी आगा। और ये क्या है मीटर, यानी कि जो हमारा वन राउंड है इसका पेरीमीटर कितना आ गया भाई 200, यानी कि जो 100 ये 200 है, ये वन राउंड की पेरीमीटर है, यानी कि इसकी लेंथ है, लंबाई है, एक एक राउंड में भी 200 मीटर चलते हैं, पेरीमीटर के इक्वल चलेंगे, है ना। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू द लेंथ ऑफ वन राउंड, जो पेरीमीटर है वो उसकी वन राउंड के इक्वल है, दोनों की माप इतनी है, है ना। तो द लेंथ ऑफ वन राउंड, वन राउंड की लेंथ कितनी होगी भाई 200 मीटर होगी, है ना। द लेंथ ऑफ फाइव राउंड, तो फाइव राउंड की लेंथ कितनी हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई फाइव, फाइव टू जा टेन, और वन टू टू जीरो है, ये यहां पे लगा दीजिए, तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया, जो फाइव राउंड है उसकी जो लेंथ है वह है 1000 मीटर। ओके स्टूडेंट, अगर 1000 को हम किलोमीटर में चेंज करें तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है ना, एक बार दोबारा देख लीजिए। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए वन राउंड, है ना, जो पेरीमीटर होगा वो उसकी वन राउंड की लेंथ और पेरीमीटर की इक्वल हो जाएगी। द लेंथ ऑफ वन राउंड इज इक्वल टू 200 मीटर है, द लेंथ ऑफ फाइव राउंड इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टू 1000। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर खत्री वांट टू बिल्ड ए वॉल अराउंड हिज रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 500 मीटर एंड ब्रीथ इज 400 मीटर, द कॉस्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द वॉल इज आर एस 1000 पर मीटर, नाउ मच विल ही हैव टू स्पेंड। स्टूडेंट ये क्या कह रहा है एक बार आप देख लीजिए, आपको इधर ही सब स्टूडेंट, जो मिस्टर खत्री है वो उसके पास एक रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार प्लॉट है, जमीन है ना, तो जिसपे वो दीवार बनाना चाहता है, और जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसकी जो लेंथ है वो 500 मीटर है और जो ब्रीथ है वो 400 मीटर है, और एक मीटर दीवार बनाने में 1000 रुपए खर्च होते हैं, है ना।
एक मीटर दीवार बनाने में 1000 रुपये खर्च होते हैं। अब अगर वो उसके चारों ओर दीवार बनवा रहा है तो कितने रुपए खर्च होंगे ये बताना है आपको। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए उसके पास ये है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसके पास, ठीक है, जो उसकी लंबाई है, लेंथ बड़ी होती है हमेशा, वो तो 500 है, और जो इसकी ब्रीथ है वो अभी 400 मीटर है ना। तो ये कह रहा है कि इसके चारों दीवार बनानी है ना। तो चारों दीवार बनाने के लिए पहले हमें इसका पैरीमीटर निकालना होगा कि भाई इसका पैरीमीटर कितना है, ठीक है जी। जितना भी पैरीमीटर होगा इतनी लंबी दीवार हो जाएगी, और 1 मीटर दीवार की जो कीमत है वह 1000 रुपए है। तो इसका इसके चारों दीवार बनाने के लिए जिसका परिमाप होगा उतनी दीवार बनानी होगी, तो जितना मीटर इसका परिमाप हो जाएगा उतने मीटर उससे दीवार बनानी होगी, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना होगा ये जानने के लिए, भाई कितने मीटर दीवार बनेगी हमारी, पूरी दीवार की सारी लंबाई कितनी होगी, इसका पैरीमीटर निकालना होगा हमें उसके लिए, है ना। जब पैरीमीटर निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि भाई कितने मीटर दीवार है और कितने पैसे देने, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसका पैरीमीटर निकाल लेंगे। पैरीमीटर निकालने का आसान तरीका क्या है स्टूडेंट, वैसे तो हमने आपको बता रखा है जो रेक्टेंगल होता है इसके आपके सामने की इक्वल होती है, देखो 500 400 कितने हो गए, 5 × 10 और 4 × 18 हो गए, तो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा, है ना। या फिर हमने दूसरों में क्या बता रखा आपको, अगर कोई भी रेक्टेंगल है इन्हें दोनों को जोड़ दीजिए, है 5 × 4 = 900 मीटर हो गया, और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या सोच लो कि भाई डबल कर दो, है ना। तो 9 × 18 = 9 × 20 तो 1800 हो जाएगा, फिर भी वही आंसर आ रहा है ना। तो आप किसी भी तरीके से आसान तरीके से भी दिमाग में सोच के निकाल सकते हैं। अब इसे देख लीजिए क्या कर रहे हैं, द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इक्वल टू 500 मीटर, ठीक है जी, जो इसकी लेंथ है वो 500 मीटर है, हमने लिख लिया है। अब द ब्रीथ ऑफ ए प्लॉट, उसकी ब्रीथ कितनी है वो है 400, ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया 400 मीटर। ओके स्टूडेंट, जिसमें लेंथ और ब्रीथ दोनों दे रखे हैं वो हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है जी। और जिसमें एक ही साइड दी हुई हो वो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा, यानी के बाद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द पेरीमीटर ऑफ ए प्लॉट, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट, यानी जो हमारा प्लॉट है वो किस आकार का है, रेक्टेंगल है, आयताकार है, है ना। इक्वल टू क्या होगा, 2 × n + b, यही तो फॉर्मूला है ना इसका। वैसे हमने तो मेथड से आपको यहां भी सिद्ध बता दिया कैसे आएगा इसका पैरामीटर। तो ये क्या करेंगे, 2 × n कितना हमारा 500, n के स्थान पर 500 लिख देंगे, ये लेंथ है, यहां पर इसका चिन्ह है प्लस का चिन्ह, ऊपर से देखिए ये लगा लेंगे। फिर क्या है जो हमारा b है, b कितनी आज हमारी 400, ये ले 400, तो आप यहाँ पे 400 लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, और सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में जो भी होते हैं उसे सोल्व करते ही ये जो ब्रैकेट होता है वो रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या करेगा, 2 × 4 = 5 × 9 = 0 × 0 से आ जाएगी, तो ये आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए,
नाइन टू जो एटीन, अरे टू जीरो है टू जीरो जाने, अब ये क्या होगा मीटर। तो स्टूडेंट जो भी हमारा ये रेक्टेंगल फ्लोट है उसका जो पेरीमीटर है वो है 1800 मीटर, है ना। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इसकी जो इसकी पूरी लेंथ है लंबाई वो पेरीमीटर पेरीमीटर इसके इक्वल है, यानी कि इसकी पूरी लेंथ लंबाई और पेरीमीटर एक ही बात है ना। तो एक कोण द कोण ऑफ 1 मीटर, जो 1 मीटर दीवार है उसका खर्चा कितना आता है 1000 रुपीज, है ना, 1000 आता है ना। तो इतने का कितना आएगा, इतने मीटर जो अगर दीवार बनाए तो कितना खर्चा आएगा, द कोस्ट ऑफ 1800 मीटर इक्वल टू, तो स्टूडेंट हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारा रुपए आ जाएंगे। देखो हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है ना कि भाई कैसे होगी, तो आप क्या करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 18 में कर लेंगे, 18 बन जा 18 और 18 को यहाँ लगा देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ कितने जीरो है 1 2 2 0 आप यहाँ लगा देंगे, और यहाँ कितने जीरो है 1 2 3 और 3 8 लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आप इसे लंबी मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी और उसमें गलती की संभावना भी है, ठीक है। तो 18 हो गया 18, 2 0 ये 3 0 ये 5 0 यहाँ लगा देंगे 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट क्या आंसर आ गया, भाई कितने रुपए लगेंगे जो 1800 मीटर है वो बनाएंगे होल, उसके लिए हमें ये रुपए देने होंगे, ठीक है जी। कितने रुपए होंगे भाई ये पता होना चाहिए, है ना, कैसे कैसे काउंट करोगे कि भाई ये कितने रुपए हो गए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए वंस टेंस करेंगे, वंस टेंस 100,000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख। तो स्टूडेंट कितने रुपए हो गए 18 लाख रुपए देने होंगे उसे, ठीक है जी, समझ में आया आपके। तो ये जो एक्सरसाइज थी आपकी 90 कंप्लीट हो गई, ठीक है, और इन्हें आप रफ कॉपी पे निकाल निकाल के देख लेंगे और फेयर कॉपी में भी स्टूडेंट इन्हें कर लेंगे, ठीक है। तो आप इन्हें रब कॉपी में करके देखिए फिर फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, और आपके फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।